ये ले लिए इसकी। देखिए हवा चेक करें आप, आ रही हवा नाजिन को? हाँ बस पैसे कर, नाजिन चेक करें आपको हवा कैसी आ रही है, देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। तो गर्मी के लिए फ़ैन ले लिया है, बच्चों के लिए खास तौर पे, गाड़ी में बैठे होते हैं तो गर्मी इतनी लगती है, तो उनके लिए हम लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं। 500 रुपए की हमने फ़ैन लिए हैं दराजो लाइन पे, तो पहले 800 के थे, अब 600 तक के मिल रहे हैं। बहरहाल हमें 500 के मिले तो हमने फ़ौरन ही 3-4 उठा लिए। अच्छा जी, मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना मुझे अच्छे और अफोर्डेबल ना बच्चों के गारमेंट्स की कोई शॉप्स वगैरह या कोई मार्केट बता दें, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगी। वैसे तो सदर पिंडी में बहुत से बाज़ार ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में बच्चों के गारमेंट्स के, चाहे वो उनके स्लीपर्स हों या उनके कपड़े वगैरह भी हों, मतलब सारी चीज़ें उनकी ना मिल जाती हैं। लेकिन आज चूँकि मैं इधर राजा बाज़ार आई हुई थी, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के गारमेंट्स में जब मुझे नज़र पड़ी, तो मैंने जो है वो उनकी भी वीडियो बनाई और आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई कि यहाँ पर भी जो है ना, अब ये है ना बच्चियों की शलवार कमीज़ है, इनका जो साइज़ है वो 30 है। 30 साइज मतलब कि 7 से 8 ईयर्स बच्चों को, 6 से लेकर अगर आपकी बच्ची की अच्छी हाइट है तो 6 जो बच्ची है ना 6 ईयर की, उसको भी आ जाएंगे ये ड्रेसेस। 2000 के ये ड्रेसेस थे, इनकी प्राइस 2500 भी थी। ये ब्लैक वाला जो था ना, मुझे बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा था, उन्होंने कहा वो 25 का, ये वाला जो वाइट है आपको मिलेगा 2000 का। और फिर इसके बाद आगे हम गए, आगे शॉप जो है ना ढेर सारी, अच्छा मोती बाज़ार भी आप आते हैं तो यहाँ पर भी बच्चों के गारमेंट्स की ढेर सारी शॉप्स हैं। और फिर मैं बता दूं कि अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे आपको 800 500 3500 के या 1000 का सूट मिलेगा, यहाँ पे जो है ना इनकी प्राइस, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी थी और वैरायटी भी अच्छी थी इनके पास, और जो है वो कपड़े बहुत अच्छे और ज़बरदस्त थे। तो यहाँ पे इनकी जो प्राइस है ना वो थोड़ी 2000 है उससे थोड़े अबव थे। बच्चों के कुर्ते बास्केट वगैरह भी सब लगे हुए थे, कि मैं जिस गली में आई हूँ ना यहाँ पर सारे बच्चों के गारमेंट्स की शॉप थी। और लेकिन एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं ना, ये देखिए सेल ईद ऑफ़र, 2 सूट 1500 के 2 सूट, ठीक है, सेल ऑफ़र यहाँ पे लगी हुई थी। और ये निकर्स और बच्चों की शर्ट्स थी, तो थोड़े से मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कलर और डिज़ाइन क्या है, ब्लू कलर में रेड कलर में। और ये देखिए बच्चियों की यहाँ पर 1500 के 2 मिल रहे थे, मतलब उस लिहाज से 750 का आपको एक इसका ड्रेस पड़ा। तो सेल में लगे हुए थे ऑफ़र में आपकी, और कभी छोटी बच्चियों के अभी आपको 1000 में मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है ना इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी इन ड्रेसेस वगैरह की, और बहुत अच्छे डिज़ाइन के भी थे, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो जो वही 2000 या 2500 का कोई ड्रेस बता रहे थे ना, तो वो महंगा नहीं था उस लिहाज से, मतलब जिस तरीके से ड्रेस है ना वो अगर आप कहीं और से पता करें तो आपको वो बहुत महंगा मिलेगा। देखिए ये चिकनकारी की फ्रॉक्स हैं, नीचे वो ऊपर इन्होंने गला वगैरह बनाया हुआ, और नीचे बहुत अच्छी लॉन और कॉटन की है ये फ्रॉक्स, तो ये भी 1500-1500 रुपये की, और कुछ जो है वो 2000 की आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो बच्चों के गारमेंट्स की वैसे तो मैं इंशाल्लाह ताला और भी वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें आपको पता लग जाए कि आपको कहाँ से जो है ना वो आप बाय करें, अगर सदर में है, पिंडी में और किसी और मार्केट में जहाँ पर आप करीब रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मार्केट से मिलती है। लेकिन यहाँ मैं आई हूँ राजा बाज़ार मोती बाज़ार में, गलियों में आई हूँ, तो यहाँ बच्चों की गारमेंट्स जो है वो अच्छी और अफोर्डेबल प्राइस में, और मतलब खूबसूरत ड्रेसेस हैं यहाँ पर बच्चियों के, बड़ी बच्चियों के लिए भी और छोटी बच्चियों के लिए भी। तो ये देखें इसकी फिनिशिंग देखें ये, और इसके गला बहुत अच्छा सा बना हुआ है, इसकी जो स्टिचिंग है मैंने खुद चेक की है वो भी बड़ी फाइन थी। तो साथ में जा रही थी तो यहाँ बड़ों के भी ड्रेसेस लगे हुए थे, थोड़े फैंसी थे, ये भी यहाँ सेल पे लगाए हुए थे। अगर आपने ईद के लिए लेने हैं बड़ी बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए, गर्ल्स वगैरह के लिए, तो वो 2500-2500 रुपए की ये सारी फ्रॉक्स वगैरह, ये फैंसी ड्रेसेस थे, 2500-2500 की ये इनकी सेल लगी हुई थी। और एक कुछ जो है वो 3500 की सेल पर भी ये ड्रेसेस लगे हुए थे, मोस्टली ज़्यादा फ्रॉक्स थी और ये फैंसी ड्रेस थे। तो ये मैं आपको पूरा ओवरऑल दिखा रही हूँ, एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है इस वाली शॉप में, ढेर सारी सेल 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 से, और लिखा हुआ है 2500। तो वाइट कलर में, मैरून कलर में, ग्रे कलर में, और शेफून का इनके साथ दुपट्टा है, इनके साथ किसी के साथ जो है वो शरारे हैं इनकी। देखिए ये थोड़ा सा क्रीप करके मैं इनकी दिखाऊंगी स्टिचिंग, जो एम्ब्रॉयडरी है ना या जो काम हुआ हुआ है फैंसी, वो किस किस्म का है। और ये वाला चेक करें, इसमें शीशों का काम हुआ हुआ है, सिंपल जो है वो शेफून की फ्रॉक है, और 2500 रुपये की सिली सिलाई ट्राउज़र है इनके साथ, और शेफून का दुपट्टा है।
अच्छा ये वाला ड्रेस जो मैं देख रही थी ना, ये मुझे मेहंदी के लिहाज से, मैंने कहा अगर शादी में बंदा महंगी मेहंदी में पहने तो ये अगर 2500 रुपये के, लेकिन जो छोटी बच्चियों के थे वो 1500-1500 रुपये के सेल पे लगे हुए थे, तो मैंने कहा ये उस लिहाज से ठीक है मगर आप आम उसमें नहीं पहन सकते। बहरहाल और शरारे भी थे इनके साथ। अब ये वाला जो है ना, ये वाइट वाला थोड़ा बेहतर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, प्रिंटेड इसके साथ ट्राउज़र था अच्छा सा, तो ये 3500 की सेल में लगा हुआ था। और ये वाली जितनी फ्रॉक्स हैं ये आपको मिलेंगे 2500 की। तो इनके साथ शरारे भी थे, किसी के साथ ट्राउज़र था, शिफॉन का दुपट्टा था, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे बड़ों के भी लगे हुए थे। बच्चियों की जो शॉप है, या इस शॉप पे मैं आई हूँ तो इनके पास ये जो है वो जो फ्रॉक्स है वो 1500 की बता रहे थे, तो मैं कहती कि मुझे ये बड़े साइज़ में चाहिए। तो और यहाँ पे बच्चों के ना कुर्ते और शलवार, थ्री पीस सूट भी और फ्रॉक्स वगैरह, ये पीच कलर का चेक करें, इसके साथ ट्राउज़र है, ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त था। तो ये ना ये 2000 के, 1500 के, और जो बहुत अच्छा है एक मुझे मैं आगे चल के दिखाऊंगी, तो वो 2500 का वो दे रहे थे। वो कोई बात नहीं, वो अगर आपको फिर महंगा लग रहा है तो आप थोड़ी बार्गेनिंग कर लें, एक दो सूट ज़्यादा लेते हैं ना तो ये लोग कम कर ही देते हैं अगर आप अच्छी बार्गेनिंग करें तो। पैंट्स के साथ भी इनके से छोटी बच्चियों के मैं दिखा रही थी, मैंने कहा मैंने वैसे लेने तो नहीं थे मगर मैंने कहा मुझे छोटी बच्चियों के ज़रा दिखाएं उनमें क्या वैरायटी है। ये शिफॉन जॉर्जेट की जो है वो बड़ी अच्छी टॉप थी और नीचे इसके प्लाजो था ये लॉन का ना, तो ये वाला जो है ये भी के बता रहे थे 2000 का ये बच्ची का। और इसके साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा मेरे ख्याल से, अब इन्होंने मुझे बताया था मुझे भूल गया, मेरे ख्याल से 1 ईयर 1-2 साल के बच्चों को आ जाएगा ये बहरहाल। और उसके साथ ये वाली फ्रॉक भी थी इनके पास हल्की, मतलब मैं सारे समर के आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे कुछ आगे चल जब गए तो यहाँ पे कुछ सेल भी लगी थी, 600-600 रुपये की शर्ट्स और जो है वो आपको अच्छी 500-500 की 600-600 की शर्ट्स वगैरह मिल रही थी। और बच्चियों की ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छी, अगर आप, मैं बताती हूँ कि आप यहाँ पर एक बार विज़िट कर लें। मोस्टली मेरा आपको ये कहना है कि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, और वैसे आजकल गर्मी भी बहुत है, जो शाम के टाइम निकले, और अगर हो सके तो ना सैटरडे संडे को ना निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आपने अच्छी शॉपिंग करनी है तो थोड़ा सा जल्दी आके ना 4 या 5 बजे के करीब, थोड़ी बेशक धूप भी होती है मगर इतना रश नहीं होता, तो ईजीली आप यहाँ से बच्चियों की गारमेंट्स वगैरह, जितने भी आपने इनके ड्रेसेस लेने हैं, इनकी ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट करनी है, वो ईज़िली आप कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एक ही बाज़ार में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहीं से एक गली से निकले तो आपने गारमेंट की सारी शॉपिंग कर ली, दूसरी गली में डाले चले गए तो आपने सारे सैंडल्स या उनके घर में पहने की जूतियाँ या फैंसी जूतियाँ वो ले लिए, और सामने ही आपको फिर ज्वेलरी के ढेर सारे स्टॉल नज़र आ जाएंगे, पिने पोनियाँ क्लिप्स। अब ये मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे जाहिर सी बात है नहीं लगी हुई, तो यहाँ पर से नहीं लगी हुई, इन सब की प्राइस जो है वो जो बच्चियों की पिनों का पता था वो 150 रुपये का, 100 रुपये का भी था, जो बड़ी पिन थी वो 150-150 रुपये या 200-200 के भी दे रहे थे। ये ब्रॉचेज जो हैं ये सारे 350-350 रुपये का ये इसका सेट है। मगर एक और बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जितनी वैरायटी है ना ज्वेलरी की और कपड़ों की, तो मुझे तो आजकल बड़े पहले बड़ा सुनने को मिला था कि क्या फ़ायदा थे, दूर जाने का रश भी होता है और चीज़ें भी उतनी मतलब सस्ती नहीं होती, लेकिन नहीं जी, अब यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है और इतनी ज़्यादा शॉप होती है ना, कोई अगर आपको सस्ती नहीं भी मिल रही ना तो आप किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ से आपको सस्ता मिल जाएगा। अब यहाँ 1500-1500 रुपये की ये 2 पीस लगे हुए थे 1500 का, और ये इतना अच्छा अच्छी लॉन थी इसकी, खुले खुले कुर्ते थे उसके ना, तो ये मैंने फिर इसको चेक किया। ये एक और बच्चों की शॉप में मैं आई हूँ, ये उस लिहाज से थोड़ी एक्सपेंसिव थी क्योंकि ये बाहर स्टॉल वगैरह पर नहीं लगी हुई थी, तो ये 1000-1500 की नहीं थी, 2000 के यहाँ पर जो है वो बच्चों के, ये देखें 2190 का ये पूरा लॉन का ड्रेस लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर का ड्रेस देखें ये भी 2200 रुपये का है, 2000 के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2290 की ये शर्ट है और इसके साथ नीचे लेसेस का जो है वो ना काम हुआ है इसके बाजुओं पे, तो ये वाली शॉप भी मुझे अच्छी लग रही थी। मगर हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो खाना खा रहे थे दुकानदार, तो हम लोगों ने बस बाहर से मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली कि यहाँ पर क्या वैरायटी है। अच्छा, जगह और लोकेशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि मोती बाज़ार की इतनी ज़्यादा गलियाँ, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, तो ये साथ साथ बस उन्हीं गलियों में हमारे, और यहाँ पे आपको बच्चों के गारमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे और सस्ते जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपने बच्चियों की गर्मियाँ हैं ना, जैसे निकर शर्ट्स वगैरह लेने हैं, तब भी वो यहाँ आ पाएंगे तो मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये मुझे एकदम से नज़र पड़ी, मुझे चुनरी के दुपट्टे चाहिए थे, ये 500-500 रुपये का एक दुपट्टा दे रहे थे। फिर जी इसी शॉप के साथ जो है वो इनके पास ज्वेलरी भी थी और बो भी लगी हुई थी, बो जो है वो ढेर सारी इनके पास थी, वो 200 की दे रहे थे, ज्वेलरी भी सस्ती ही थी। तो बस यहाँ से हमने किया, फिर हम लोग घर के लिए निकले,
उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो मेरी अगर पसंद आए तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो है वो अल्लाह पाक जी हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम आसानियाँ तस्लीम करने की तौफीक दे। फिर भी अगर आपको किसी की शॉप वगैरह के पूछने हैं, किसी किसी प्राइस पूछनी है, तो कमेंट में जो है वो आपने ज़रूर मुझे बताना है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।